नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल अंसारी लॉस कवर में। गाइस, आज एक नई शुरुआत है वर्ल्ड कप की, ठीक है। वर्ल्ड कप में पैसे छापने वाले हैं, धमाका करने वाले हैं, सब कुछ क्लियर बताने वाले हैं और मैच का लाइव सेशन जरूर अटेंड करने लगा, क्योंकि मैं लाइव सेशन भी करूंगा, ठीक है। उससे बड़ी एक अपडेट देना चाहता हूँ गाइस कि मेरे नाम से 10 फेक टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं और सब के सब कुत्ते हैं साले। जितना भी गाली आता है, ए टू जेड माँ बहन एक कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सब लोग कंप्यूटराइज स्क्रीनशॉट दिखाते हैं टेलीग्राम चैनल पे और बोलते हैं हम अंसारी लॉस कवर है। ऐसा नहीं है गाइस, मेरा रियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरा रियल टेलीग्राम चैनल सिर्फ दो तरीकों से ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रियल टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करो। दूसरा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम के बायो सेक्शन में रियल टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप मेरा रियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो तो सब फेक टेलीग्राम चैनल होगा। तो ये था अपडेट। और गाइस, माई मास्टर 11 ने आप लोग के प्यार और दुलार के देखते हुए डिपॉजिट ऑफर लॉन्च किया है वर्ल्ड कप के लिए। जितना भी डिपॉजिट करोगे आपको रियल कैश के साथ साथ कैश बोनस भी मिलेगा। तो खेलो और मेगा लीडर बोर्ड खेलो, वर्ल्ड कप में लीडर बोर्ड खेलो, एक नंबर पे आएगा। उसको मैं बताया हूं स्पेशल वीडियो बना के कि एक नंबर पे आएगा तो क्या मिलेगा, दो नंबर पे आएगा तो क्या मिलेगा, तीन नंबर पे आएगा तो क्या मिलेगा। ये सारा इंफॉर्मेशन और अपडेट मैं आपको गुड न्यूज के तौर पर दे रहा हूं, ठीक है। और एक और चीज बता दे रहा हूं, आज से आपको कंटिन्यू मैच की वीडियो मिलेगी प्लस लाइव सेशन मिलेगा। तो एक भी वीडियो को मिस मत करना और लाइव सेशन को मिस मत करना, क्योंकि प्लेयर बैटल वगैरह सब कुछ लाइव सेशन में बताऊंगा। तो नई शुरुआत करते हैं। तो जो भाई लोग मुझे पसंद करते हैं, अपना भाई समझते हैं, उसके लिए गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, आप इस चीज का जवाब मुझे जरूर दीजिएगा, ठीक है। और जो लोग मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हैं, कॉल मी फॉर एप्लीकेशन से आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मेरा जो भी अपडेट होता है मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। इसके साथ ही मैं खेलता हूं प्रॉपर माई मास्टर 11 में। क्यों खेलता हूं? लो कंपटीशन है, लो एंट्री फीस है, जीतने का हाई चांस है। इसके साथ ही इसमें पहला ऐसा मार्केट में एप्लीकेशन है जो क्या 100% कैश बोनस यूज करने देता है। 100% कैश बोनस यूज कर सकते हो इस एप्लीकेशन में। तो ये सारा फीचर्स है। इसके साथ ही इसमें डिपॉजिट ऑफर मिल रहा है, डिपॉजिट ऑफर के साथ साथ मेगा लीडर बोर्ड मिल रहा है। आप लीडर बोर्ड में आओगे तो अच्छा गाड़ी विन करोगे, नंबर वन रैंक पे आओगे तो फोर व्हीलर विन कर सकते हो। तो इतना सारा अपडेट है, इसलिए मैं खेलूंगा और पूरा वर्ल्ड कप इसी में खेलूंगा, ठीक है। तो ये था इन्फॉर्मेशन और अपडेट। अगर आपको भी माई मास्टर 11 डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, वहां से जाके डाउनलोड कर लो, या फिर मेरा रियल टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ। रियल टेलीग्राम चैनल पे माई मास्टर 11 का लिंक दे दूंगा, वहां से जाके ज्वाइन कर लो और पूरा वर्ल्ड कप में धमाल मचा दो। ये था इन्फॉर्मेशन और अपडेट। आपको पता है कि अंसारी लॉस कवर चैनल लाइव प्रूफ बताता है और लाइव प्रूफ सिखाता है। बिना प्रूफ का कोई भी चीज बताता नहीं है और बिना प्रूफ का कोई भी चीज सिखाता नहीं है, ठीक है। तो वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया, वर्ल्ड कप की वीडियो। तो आज से वर्ल्ड कप का पहला मैच का वीडियो मैं कवर कर रहा हूं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे, सब कुछ आपको लाइव बताते हैं और लाइव सिखाते हैं। जैसे ही आप मोबाइल के स्क्रीन पे आएंगे आपके सामने कुछ इस तरह का डिटेल्स दिखेगा। मैच डिटेल्स की बात करें तो वर्ल्ड कप 2022 का ये पहला मैच होने वाला है जो कि श्रीलंका और नामीबिया के बीच खेला जाएगा। अब बात करें स्टेडियम या पिच की, तो सिमोंड स्टेडियम जिलोंग, यानी जिलोंग के पिच पे ये मैच खेला जाएगा। टाइम एंड डेट की बात करें तो 16 अक्टूबर को 9:30 बजे मैच स्टार्ट हो जाएगा, यानी 9 बजे लाइनअप आएगा, 9:30 बजे मैच स्टार्ट हो जाएगा। और इस मैच का मैं लाइव सेशन भी करूंगा, तो लाइव सेशन में आ जाना अगर आपको प्लेयर बैटल वगैरह चाहिए तो, ठीक है। अब बात करते हैं विनिंग परसेंटेज की। तो भाई श्रीलंका स्ट्रांग टीम है और नामीबिया वीक टीम है। तो विन करने का चांस श्रीलंका का 65% है जबकि नामीबिया का 35% है। अब बात करते हैं जिलोंग स्टेडियम के पिच रिपोर्ट की। तो पिच रिपोर्ट के मैं बारे में बता दूं कि जिलोंग स्टेडियम का पिच मैं ऐसे नहीं निकालता हूं गाइस। जो भी स्टेडियम पे मैच होता है उस स्टेडियम पे फ्यूचर में पहले मैच हुआ है तो 10-20 जितने भी मैच मिलते हैं उसका स्कोर कार्ड चेक करता हूं, उसका बैटिंग देखता हूं कितना उस पर रन बन रहा है, उस पर कौन से बॉलर चल रहे हैं, सब कुछ डाटा निकालने के बाद मैं अपना खुद से पिच रिपोर्ट बनाता हूं।
तो जिलोंग स्टेडियम का पिच जो है बैलेंस है, यहाँ बैट्समैन और बॉलर दोनों को सपोर्ट मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा सपोर्ट स्टार्टिंग ओवर में फास्ट बॉलर को मिलता है और इस पिच पे फास्ट बॉलर इम्पोर्टेंट होते हैं, मिडिल ओवर में स्पिनर बॉलर को भी विकेट मिल जाता है। हमारे हिसाब से ये पिच रिपोर्ट होने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं 100% विनिंग जेल टिप्स की, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा तो अंसारी लॉस कवर यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अंसारी लॉस कवर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके आल पे सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम लाइव आए या जब भी कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस चीज का फायदा सबसे पहले उठाओ, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हो। 5 गोल्डन टिप्स बताऊंगा जो कि T10, T20, ODI, टेस्ट, मैन मैच, ओमैन मैच, सभी मैचों में काम करेगा, ठीक है। ये मेरा टिप्स एंड ट्रिक्स किसी गूगल वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला टिप्स मैं कवर करता हूँ लास्ट मैच का परफॉर्मेंस। जी गाइस, लास्ट मैच का परफॉर्मेंस इसमें मैं बताता हूँ। आपको पता है कि वर्ल्ड कप का पहला मैच जिलोंग स्टेडियम पे होने वाला है, तो जिलोंग स्टेडियम पर अभी तक कोई भी T20I का मैच नहीं हुआ है। BBL का 7 मैच हुआ है अभी तक इस स्टेडियम पे, तो BBL के लास्ट के 7 मैच पे इस पिच का रिकॉर्ड क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, वो सारा डाटा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो BBL के लास्ट 7 मैच जो कि इस स्टेडियम पे खेले गए हैं उसके में परफॉर्मेंस आप नोट कर लीजिए। राइट आर्म फास्ट बॉलर RAF, राइट आर्म फास्ट बॉलर 7 विकेट लिए हैं। RAFM बॉलर 29 विकेट लिए हैं। राइट आर्म मीडियम RAM बॉलर 7 विकेट लिए हैं। लेफ्ट आर्म फास्ट या लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर 15 विकेट लिए हैं। लेग ब्रेक स्पिनर या राइट आर्म लेग ब्रेक स्पिनर बॉलर 13 विकेट लिए हैं। लेफ्ट आर्म चीनामैन को सिर्फ 2 विकेट मिला है। लेफ्ट हैंड ऑर्थोडॉक्स को सिर्फ 1 विकेट मिला है और राइट हैंड ऑफ ब्रेक बॉलर को 7 विकेट मिला है। तो आपको समझ में आ गया कि BBL के मैच का रिकॉर्ड को देख के कि जिलोंग के स्टेडियम पे क्या होता है, जिलोंग के स्टेडियम पे कैसे बॉलर चलते हैं और किस टाइप के बॉलर को अपने ग्रांड लीग की टीम में शामिल करना है। ये टिप नंबर 1 क्लियर हो गया। अब बात करते हैं टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 को अप्लाई करने के लिए आपको मैच का लाइनअप का इंतजार करना होगा। जैसे ही मैच का लाइनअप आ जाएगा दोनों टीम के 11 प्लेयर और 11 प्लेयर का डाटा लिखना होगा, कौन राइट हैंडर बैट्समैन है, कौन लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, कौन फास्ट बॉलिंग करता है, कौन स्पिन बॉलिंग करता है। लिखने के बाद रूल नंबर 2 अप्लाई कर देना है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, जिस टीम का आप लेफ्ट हैंडर बैट्समैन को अपने ग्रांड लीग की टीम में शामिल करते हैं उसके अपोजिट टीम से राइट हैंड ऑफ ब्रेक बॉलर को ड्रॉप करके ग्रांड लीग का कॉम्बिनेशन बनाना है, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही परफॉर्मेंस करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप श्रीलंका के लेफ्ट हैंडर बैट्समैन को अपने ग्रांड लीग की टीम में शामिल करते हैं तो नामीबिया के राइट हैंड ऑफ ब्रेक बॉलर को ड्रॉप करके ग्रांड लीग का कॉम्बिनेशन बनाना है। वहीं अगर आप नामीबिया के लेफ्ट हैंडर बैट्समैन को अपने ग्रांड लीग की टीम में शामिल करते हैं तो श्रीलंका के राइट हैंड ऑफ ब्रेक बॉलर को ड्रॉप करके ग्रांड लीग का कॉम्बिनेशन बनाना है, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही परफॉर्मेंस करेगा, ठीक है। ये हो गया टिप नंबर 2। अब बात करते हैं टिप नंबर 3। दोनों टीमों को एनालाइज करेंगे तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि किस टीम के पास बेस्ट क्वालिटी का राइट हैंडर बैट्समैन है। अगर ये पता हो गया तो आपको रूल नंबर 3 अप्लाई कर देना है। रूल नंबर 3 क्या कहता है, जिस टीम का आप राइट हैंडर बैट्समैन को अपने ग्रांड लीग की टीम में शामिल करते हैं उसके अपोजिट टीम से लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलर को ड्रॉप करके ग्रांड लीग का कॉम्बिनेशन बनाना है। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि लेफ्ट आर्म स्पिनर होता क्या है, तो लेफ्ट आर्म स्पिनर में 3 टाइप के बॉलर आते हैं, लेग ब्रेक, लेफ्ट आर्म चाइनामैन, लेफ्ट हैंड ऑर्थोडॉक्स। इस टाइप के बॉलर को आपको ड्रॉप करके ग्रांड लीग का कॉम्बिनेशन बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप श्रीलंका के राइट हैंडर बैट्समैन को अपने ग्रांड लीग की टीम में शामिल करते हैं तो नामीबिया के लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलर को ड्रॉप करके ग्रांड लीग का कॉम्बिनेशन बनाना है। वहीं अगर आप नामीबिया के राइट हैंडर बैट्समैन को अपने ग्रांड लीग की टीम में शामिल करते हैं तो श्रीलंका के लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलर को ड्रॉप करके ग्रांड लीग का कॉम्बिनेशन बनाना है, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही परफॉर्मेंस करेगा, दोनों के दोनों एक साथ एक ग्रांड लीग की टीम में परफॉर्मेंस नहीं करेंगे। यह हो गया टिप नंबर 3। अब बात करते हैं टिप नंबर 4, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप ग्रांड लीग जीतना चाहते हैं तो। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं कवर करता हूं पिच रिपोर्ट, जो कि रूल नंबर 1 में बताया कि जिलोंग के स्टेडियम पे क्या होता है, फास्ट बॉलर को कितना विकेट मिलता है, स्पिन बॉलर को कितना विकेट मिलता है और इस पिच पे किस टाइप के बॉलर को अपने ग्रांड लीग की टीम में शामिल करना है, पहला चीज। इसके बाद स्मॉल लीग, ग्रांड लीग और हेड टू हेड की टीम भी मैं अपने रियल टेलीग्राम चैनल पर देता हूं। लाइनअप आने के बाद बता देता हूं अपने टेलीग्राम पे कि कौन सा टीम स्ट्रांग है, किसके फेवर में आपको ग्रांड लीग का टीम बनाना है।
तो ये आप मेरा सिर्फ रियल टेलीग्राम चैनल पे पा सकते हैं। मेरा रियल टेलीग्राम चैनल सिर्फ दो तरीकों से ज्वाइन किया जा सकता है। पहला, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम के बायो सेक्शन में रियल टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके आप मेरा रियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो ये था मेरा रियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का तरीका। इसके साथ ही मैं बताता हूं कि हमेशा जीतने वाला टीम के फेवर में आपको ग्रांडली का कॉम्बिनेशन बनाना है। जीतने वाला टीम के 7 प्लेयर लेना है, हारने वाला टीम के 4 प्लेयर लेना है। जीतने वाला टीम के 7 प्लेयर कौन से लेना है? ओपनर, बैट्समैन, ओपन और डेथ बॉलर। हारने वाला टीम के ना तो ओपनर बैट्समैन लेना है, ना ही ओपनर बॉलर लेना है। क्यों लेना है और क्यों नहीं लेना है वो मैं वीडियो में बता रहा हूं। देखो, जीतने वाला टीम का ओपनर बैट्समैन या दुनिया में किसी भी टीम का ओपनर बैट्समैन कब परफॉर्मेंस करेगा? जब अपोजिट टीम का ओपनर बॉलर फ्लॉप होगा, क्योंकि ओपनर बॉलर के सामने उसे खेलना पड़ता है, रन बनाना पड़ता है, स्कोर करना पड़ता है। तो अगर आपको लगता है कि हमारा ओपनर बैट्समैन अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला है, तो अपोजिट टीम के ओपनर बॉलर को ड्रॉप करके ग्रांडली का कॉम्बिनेशन बनाइए, आप आगे निकल जाएंगे। जो लोग उस बॉलर के साथ आएगा आपसे पीछे हो जाएगा। इसी तरीके से जब सेकेंड इनिंग स्टार्ट होगा, तो अपोजिट टीम का ओपनर बैटमैन बैटिंग करने के लिए आएगा, आप जीतने वाली टीम का ओपन और डेथ बॉलर रखे हो, तो ये लोग जब बॉलिंग करेगा तो अपोजिट टीम के ओपनर बैटमैन का विकेट ले लेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप ओपनर बैटमैन को ड्रॉप करके ग्रांडली का कॉम्बिनेशन बनाइए, और जो लोग उस बैटमैन के साथ आएंगे आपसे पीछे हो जाएंगे। तीस तरह से ग्रांडली का रिस्की टीम, यूनिक टीम और कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। बड़े बड़े प्लेयर को ड्रॉप करना पड़ता है, हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर को ड्रॉप करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब तक रिस्की टीम नहीं बनाओगे तब तक विन नहीं कर पाओगे। कारण क्या है कि ग्रांड लीग 50 से 60 लाख लोगों के बीच होती है। 50 से 60 लाख लोगों को बीट करके एक नंबर पे आना है, तो जहां 50 से 60 लाख लोग सोचना बंद करते हैं, उससे एक स्टेशन आगे सोचना है। कैसे सोचना है? जैसे सभी लोग हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर को लेके आते हैं, रिस्की प्लेयर को ड्रॉप करते हैं, आपको रिस्की प्लेयर को लेके आना है, हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर को ड्रॉप करना है। एक दो ऐसे प्लेयर को टारगेट करना है जिसका सिलेक्शन परसेंट डाउन है, जिसको सब लोग इग्नोर कर रहे हैं, अपने ग्रांड लीग की टीम से ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन उस प्लेयर में पोटेंशियल है, वो प्लेयर ड्रीम टीम का पार्ट बनता है, तो वैसे प्लेयर को आपको टारगेट करना है। हो सके तो कप्तान, वाइस कप्तान बना देना है, क्योंकि जिस दिन वो प्लेयर चलेगा आप वन साइडेड ग्रांड लीग या स्मॉल लीग विन करेंगे, आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि रिस्क है तो रिस्क है, जब तक आप रिस्क नहीं लोगे ग्रांड लीग विन नहीं कर पाओगे। और ग्रांड लीग पेशेंस के साथ खेला जाता है, ऐसा नहीं कि आज आए और आज ही ग्रांड लीग विन किए। 100 में से 2 लोग का ऐसा नसीब होता है जो गॉड गिफ्टेड होता है, उसके बारे में आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये था इन्फॉर्मेशन टिप्स नंबर 4 का, जो मैं आपके साथ शेयर कर दिया। अब बात करते हैं टिप्स नंबर 5, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने पूरा ड्रीम 11 टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करके 11 प्लेयर का टीम क्रिएट कर लिया, और 11 प्लेयर ड्रीम टीम में भी आ गए, फिर भी आप कप्तान वाइस कप्तान परफेक्ट नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि आपको पता नहीं कप्तान वाइस कप्तान कैसे बनाना है। इसके ऊपर मेरे YouTube चैनल पे ऑलरेडी सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना के दिया कि ग्रांड लीग कैसे जीते। बैटिंग ऑर्डर के ऊपर वीडियो मिल जाएगा, बॉलिंग ऑर्डर के ऊपर वीडियो मिल जाएगा, कौन बॉलर किसको आउट करेगा इसके ऊपर वीडियो मिल जाएगा, ड्रीम 11 टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर वीडियो मिल जाएगा, कप्तान वाइस कप्तान कैसे बनाए इसके ऊपर वीडियो मिल जाएगा। ये सारी वीडियो देखने के लिए आप YouTube के सर्च बार में टाइप करो अंसारी लॉस कवर, इसके बाद अंसारी लॉस कवर चैनल पे क्लिक करके उसके वीडियो सेक्शन में जाओ और सारा वीडियो को देख लो, आपको पूरा वर्ल्ड कप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा डाटा मैं दे के रखा हूं। बात कर रहा था कप्तान वाइस कप्तान इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। क्यों? कप्तान डबल पॉइंट बनाता है और वाइस कप्तान डेढ़ा पॉइंट बनाता है, इसलिए कप्तान वाइस कप्तान इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए किसी भी मैच में जिस प्लेयर को कप्तान वाइस कप्तान बनाना चाहते हैं, उसका 3 चीज चेक कर लीजिए। उसका हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है, उसका प्लेयर बैटल क्या है, उसका पिच पे परफॉर्मेंस क्या है। ये 3 चीज चेक करने के बाद ही किसी को कप्तान वाइस कप्तान बनाइए। हवा में कप्तान वाइस कप्तान बनाएंगे तो मैच हार जाएंगे। ठीक है, ये था मेरा 5 गोल्डन टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर कर दिया। अब चलिए बात करते हैं दोनों टीमों की कैपेबिलिटी की। ठीक है, तो दोनों टीमों के बीच अभी लास्ट वर्ल्ड कप का मुकाबला हुआ था, इसके बाद अभी मुकाबला नहीं हुआ है निम्बिया और श्रीलंका के बीच। तो इनका प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकता है? प्रोबेबल का मतलब होता है अनुमानित, संभावित। ये कंफर्म प्लेइंग 11 नहीं है, कंफर्म प्लेइंग 11 लाइन अप आने के बाद मेरे रियल टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यह अनुमानित है, संभावित है। तो संभावित क्या क्या है वो चलिए हम बता देते हैं। यहां पे देखिए श्रीलंका की तरफ से प्लेइंग 11 में बता दूं, पोंथुम निसांका और कुशल मेंडिस। पोंथुम निसांका राइट हैंडर बैट्समैन है, कुशल मेंडिस राइट हैंडर बैट्समैन है प्लस विकेट कीपिंग करते हैं। चरित हसलंका राइट हैंडर बैट्समैन है प्लस राइट हैंड ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं। यह है ऑलराउंडर, लेकिन आपको मिलेंगे बैटिंग सेक्शन में। ठीक है, धनंजय डी सिल्वा ये भी राइट हैंडर बैट्समैन है प्लस राइट हैंड ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं। भानुका राजा पक्षा ये लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है,
दसुन सनाक्का जबकि राइट हैंडर बैट्समैन है प्लस राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करते हैं ऑलराउंडर है। विनिंदु हसरंगा सबसे टॉप क्लास का प्लेयर है, इसको आप कप्तान वाइस कप्तान बना लेना। राइट हैंडर बैट्समैन है प्लस लेग ब्रेक स्पिन बॉलिंग करता है। चमाइका करुणारत्ने राइट हैंडर बैट्समैन है प्लस राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं, यह भी इंपोर्टेंट है। इसके बाद आप महेश थिक्साना जो कि राइट हैंडर बैट्समैन है प्लस राइट हैंड ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं, यह सबसे इंपोर्टेंट बॉलर होने वाले हैं। ठीक है, दुष्मंता चमीरा सबसे टॉप क्लास का श्रीलंका की तरफ से अगर कोई बॉलर है तो दुष्मंता चमीरा है जो कि राइट हैंडर बैट्समैन है प्लस राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं। इसके बाद लहरू कुमारा जो कि लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है प्लस राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग कर सकता है, तो ये लहरू कुमारा खेल सकता है या उसके जगह पे दिलशान मधुशंका खेल सकता है जो कि लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है प्लस लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग कर सकता है। ठीक है, तो ये है पंथुम निशंका का प्लेइंग 11, सॉरी श्रीलंका का प्लेइंग 11। ठीक है, अब चलिए इसी तरीके से आपको हम बता देते हैं नामीबिया के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में, क्योंकि कंफर्म प्लेइंग 11 लाइनअप आने के बाद आएगा। तो नामीबिया की तरफ से स्टीफन बार्ड खेल सकते हैं जो कि राइट हैंडर बैट्समैन है। लोहानरे लॉरेंस खेल सकते हैं, ये भी राइट हैंडर बैट्समैन है। गरहार्ड इरामोस राइट हैंडर बैट्समैन है प्लस राइट हैंड ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं। ठीक है, माइचल वान लिंगेन खेल सकते हैं जो कि लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है प्लस लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलिंग करते हैं। जे जे स्मिथ खेल सकते हैं जो कि राइट हैंडर बैट्समैन है प्लस लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं। डेविड वाइज खेल सकते हैं जो कि राइट हैंडर बैट्समैन है प्लस राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं। जैन फ्रेंडलिंग खेल सकते हैं जो कि लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है प्लस लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं। जेन ग्रीन खेल सकते हैं जो कि लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है। रूबेन ट्रम्पलमैन खेल सकते हैं जो कि राइट हैंडर बैट्समैन है प्लस लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग करते हैं। ठीक है, बर्नार्ड स्कोल्टिज खेल सकते हैं जो कि राइट हैंडर बैट्समैन है प्लस लेफ्ट हैंड ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं। बेन सिकोंगो जो कि राइट हैंडर बैट्समैन है प्लस राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं या फिर ये खेल सकते हैं, या उनके जगह पे जान निकोल लोफ्टी इट्टन खेल सकते हैं जो कि लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है प्लस लेग ब्रेक स्पिन बॉलिंग करते हैं। तो ये है नामीबिया के प्रोबेबल प्लेइंग 11। चलिए आज के मैच में कौन से प्लेयर इंपोर्टेंट होने वाले हैं, किसको हम अपने ग्रांडली की टीम में शामिल करने वाले हैं, चलिए टिक करके बता देते हैं। सबसे पहले श्रीलंका के प्लेइंग 11 से इंपोर्टेंट प्लेयर को मैं बता देता हूं। यहां से मेरे लिए इंपोर्टेंट प्लेयर होने वाला है पंथुम निशंका, और दूसरा प्लेयर है चरित असलंका, दो प्लेयर। तीसरा प्लेयर आप यहां से ले सकते हो, मेरे लिए इंपोर्टेंट प्लेयर होने वाला दुष्मंता चमीरा, तीन प्लेयर। और अगर लहरू कुमारा खेलेगा तो मैं लहरू कुमारा को भी ले लूंगा, चार प्लेयर। इसके बाद महेश थिक्साना, पांच प्लेयर। विनिंदु हतरंगा, छह प्लेयर। ठीक है, इसके बाद आप बी राजा पक्षा या डी सनाका में से किसी के साथ जा सकते हो, मैं जा रहा हूं इस बार बी राजा पक्षा के साथ। ये सात प्लेयर इंपोर्टेंट है श्रीलंका की तरफ से, जिसको मैं अपने ग्रांड लीग की टीम में शामिल करूंगा। इसी तरीके से चलिए आपको हम बता देते हैं नामीबिया की प्लेइंग 11 में इंपोर्टेंट प्लेयर को टिक करके बता देते हैं। यहां से इंपोर्टेंट प्लेयर मैं लेने वाला हूं ग्रेहार्ड इरामोस, एक प्लेयर। दूसरा प्लेयर मैं लेने वाला हूं डेविड वाइस, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं, दो प्लेयर हो गया। तीसरा है जैन फ्रैंकलिन, तीन प्लेयर हो गया। चौथा प्लेयर मैं लेने वाला हूं यहां से बर्नार्ड स्कोल्टेज, और पांचवा प्लेयर मैं लेने वाला हूं रूबेल ट्रम्पमैन। ये इतने इंपोर्टेंट प्लेयर है जिसको मैं अपने ग्रांड लीग की टीम में शामिल करूंगा, हो सके तो कप्तान वाइस कप्तान भी बना दूंगा। ठीक है गाइस, तो गाइस मैं खेलता हूं माई मास्टर 11 एप्लीकेशन में, लो कंपटीशन है, लो एंट्री फीस है, जीतने का हाई चांस है। इसके साथ ही डिपॉजिट ऑफर चल रहा है, अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करोगे तो 200 कैश बोनस मिलेगा। और इसके साथ ही मार्केट में इकलौता ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें 100% कैश बोनस यूज होता है। ये सारा फीचर्स पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में माई मास्टर 11 का लिंक दे दूंगा, वहां से जाके ज्वाइन कर लो, या फिर मेरा रियल टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, वहां पे मैं माई मास्टर 11 का लिंक दे दूंगा, वहां से जाके ज्वाइन कर लेना। तो चलिए चलते हैं माई मास्टर 11 एप्लीकेशन पे और आज का टीम क्रिएट करके आपको दिखाते हैं। जैसा ही माई मास्टर 11 एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा। वर्ल्ड कप लीडर बोर्ड देखिए, फर्स्ट रैंक पे ब्रेजा, सेकेंड रैंक पे बुलेट, थर्ड नाम पे टीवीएस रोनिन, फोर रैंक पे जो आएगा लीडर बोर्ड में एप्पल का आईफोन मोबाइल, और पांच रैंक पे जो आएगा उसको गोवा का ट्रिप घूमने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसको क्रॉस कीजिए। अब चलिए चलते हैं मैच पे और आपको आज का टीम क्रिएट करके दिखाते हैं। आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे देखिए नामीबिया और श्रीलंका, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट टीम पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्रिएट टीम पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए विकेट कीपर सेक्शन में कुशल मेंडिस है, अब किसके साथ जाओगे, मैं कुशल मेंडिस के साथ जाऊंगा। अब आ जाते हैं बैटिंग सेक्शन में, बैटिंग सेक्शन में बी राजा पक्षा को लेने वाला हूँ, पंथुम निशंका को लेने वाला हूँ। यहां से आप चाहो तो पूरा श्रीलंका के फेवर में जा सकते हो, चरित असलंका को
आप चलिए तसलंका के जगह पे ग्रामोट इरामोस को भी ले सकते हो, ठीक है। अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, एक दूसरा टीम बनाऊंगा उसमें इसको मैं ले लूंगा, ठीक है। तीन प्लेयर हो गया। अब आ जाते हैं बैट ऑलराउंडर सेक्शन से। तो ऑलराउंडर सेक्शन से मैं विनिंदु हसरंगा को लेने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ से डेविड वाइज को लेने वाला हूँ और जैन फ्रैंकलिन को लेने वाला हूँ, ठीक है। तीन ऑलराउंडर के साथ जा रहा हूँ। अब जाते हैं बॉलिंग सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन में डी चमीरा कन्फर्म रहेगा, महेश थिक्साना कन्फर्म रहेगा, आर ट्रम्पलमैन ये कन्फर्म रहेगा, ठीक है। और यहाँ से मैं आर ट्रम्पलमैन के बाद फिर मैं बी स्कोल्टिज, ये तीन बॉलर के चार बॉलर के साथ जा रहा हूँ। कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपको कप्तान वाइस कप्तान बता देते हैं। मैं यहाँ से कप्तान करने वाला हूँ विनिंदु हसरंगा को और वाइस कप्तान करने वाला दुष्मंथा चमीरा को, ठीक है। सेव करते हैं। सेव करने के बाद माय टीम में चलते हैं, टीम पे क्लिक करते हैं, दिखा देते हैं। अभी तक का ये मेरा इनिशियल फाइनल टीम है। अगर जो मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, हो सकता है उसमें वो प्लेयर ना खेल रहा तो उसके जगह पे नए प्लेयर आते हैं, तो उसको लेना है कि नहीं लेना है, उसको कप्तान वाइस कप्तान बनाना है कि नहीं बनाना है, ये सारा अपडेट मेरा रियल टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। इसके साथ ही स्मॉल लीग, ग्रांड लीग और हेड टू हेड की टीम मेरे रियल टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो सबसे बड़ा सवाल, आप मेरा रियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे कैसे? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रियल टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके आप मेरा रियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम के बायो सेक्शन में रियल टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके आप मेरा रियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।